आज हम करेंगे थोड़ा एडवांस और इसकी वॉक साइकिल मैंने की हुई है और हम इसको सीन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से टाइमलाइन बंद करता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इसको थोड़ा, और मैंने इसको पहले से वॉक साइकिल दी हुई है। वॉक साइकिल बेसिक है, आप अगर नए हैं तो प्रीव्यू व्यू देख लें, ठीक है। और इसको मैं प्ले करता हूँ और ये यहाँ से प्ले करते हुए यहाँ पेड़ से टकराएगा, और जो एक SFX का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम किस तरीके से लगाएंगे ये आज हम सीखेंगे। और मैं यहाँ से सिंपल, ये एक्टर मेरा पहले यहाँ से यहाँ तक गया और इसको हम देखते हैं, टाइमलाइन पे हम चलते हैं और यहाँ से हम इसका जो टाइमलाइन है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और जाएंगे इसको एक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे और एक्टर को हम, और नाउ इसके हम जाएंगे मोशन पर। इसका जो मोशन है ये है कितना है, ये यहाँ से 69 फ्रेम है। चलिए हम इसको 70 फ्रेम अराउंड रखते हैं और इसको टाइमलाइन को थोड़ा नीचे लाते हैं। और ये क्या होगा, फिर थोड़ा सा हल्का सी इसे एक झटका लगेगा, थोड़ा सा और हमें इसको एनिमेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये अराउंड काफ़ी जल्दी लगता है तो 70 से लेके यानी कि 15 फ्रेम हम देते हैं, आधा सेकंड का टाइम हम इसे देते हैं। और ये थोड़ा सा पीछे होगा एकदम से, और ये थोड़ा सा पीछे हो गया, ठीक है। और ये आप चलेगा तो काफ़ी तेज लगेगा, ठीक है। 70 एंड इसको कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। 70 और 80, मैं सिर्फ 80 पर ही देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा झटका लगेगा, बैक आ गया है। और थोड़ा सा इसकी बॉडी में भी इफेक्ट आने चाहिए जब ऐसा सीन होता है, तो जाएंगे नाउ यहाँ इसका जो है हेड जो, ओके 70 फ्रेम पर हम जाएंगे। थोड़ा सा पहले इसको, पहले से ही हम इसको थोड़ा सा मोशन दे करके और यहाँ पर एक की क्रिएट कर लेंगे। और नाउ 80 पर हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको इधर लेते हैं और सॉरी इधर, और 70 पर होना चाहिए इधर, ठीक है। सर 70 75 और ये, अब इसके हेड में कुछ खास इफेक्ट नहीं है। चलिए इधर आएंगे, यहाँ पर इतना रखेंगे इसको और यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो है वो है और ये, ठीक है। एंड 85 पर वापस उसी पोजीशन में आएगा और या फिर थोड़ा डिफरेंट होगा। ये तो रहा हमारा एक्टर का एनिमेशन, इसको हम स्टॉप करते हैं। अब जाएंगे हम यहाँ से जो SFS यो SFX है, ये जो इफ़ेक्ट होते हैं अपने बनाए, और हम इसको बना भी सकते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे ये हम आगे चल के सीखेंगे। और सीन को नाम थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश करते हैं। और नाउ हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर मल्टीपल बहुत सारे इफेक्ट हैं जो कि एनिमेटेड हैं ये सारे इफेक्ट, और हमें ज़रूरत है इसकी डिजी इफेक्ट की। और हम इसको लेंगे डिजी इफेक्ट को और सिंपल यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और वो हमारे जो है विंडो में आ जाएगा। कहाँ गया आई डोंट माइंड, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। अब ये यहीं पर आएगा, और क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है इसको काफ़ी, इसलिए कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है। नाउ मैंने कंट्रोल जेड किया और मैं यहाँ से टाइम लाइन को इसको जीरो पर लेके आता हूँ उनको। ये क्या होगा, स्केलिंग को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेगा। नाउ वेयर इज, चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि हमें इफेक्ट प्रॉपर मिल जाए। और यह इसको हम क्या करेंगे, स्केल कर लेते हैं नाउ, ठीक है। और फिर से हम इसको वहीं पर लाने की कोशिश करते हैं, और ठीक है। और एक्टर हमारा जहाँ पर है हमने कितना
70 फ्रेम एंड 85 फ्रेम पर यहाँ पर है, तो हम इसको तो बैग आता है यहाँ, इसके बाद में जैसे बैक होगा और फटाक से वो इफेक्ट आएंगे ना, यहाँ पर आना चाहिए। हमने इसको सेटअप कर दिया है इसके साथ में, लेकिन ये कंटिन्यू यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू नहीं दिखाना है, हमने जब ये पेड़ से आए टकराए और उसके तभी दिखे, उससे पहले ना दिखे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर हमने इसको शो कराना है, ठीक है, एंड 80 फ्रेम से मैंने इसको शो कराना है, तो मैं यहाँ पर 80 फ्रेम से मैंने कराना है, 80 फ्रेम मैंने किया। और नाउ मैंने जिसको जिस पे मैंने काम करना है, इसकी हम क्या करेंगे, ओपेसिटी हम ज़्यादा कर देंगे, और 80 फ्रेम पे मैंने दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 79 जो फ्रेम है उस तक मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से रखूँगा 0। हम यहाँ ओपेसिटी पर जाएंगे, आप ऊपर ओपेसिटी दे सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको 0 रखेंगे, अब ये नहीं दिखेगा। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, 80 फ्रेम हम कर देंगे, और नाउ उस ऑब्जेक्ट की जो ओपेसिटी है वो हम कर देंगे 100। तो आप देख सकते हैं ये दिखेगा। नाउ मैं प्ले करता हूँ यहाँ से, और सॉरी हम मैं स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ, तो ओके स्टार्टिंग पर दिख रहा है। चलिए स्टार्टिंग पर हम जाते हैं, और यहाँ पर भी मैं इसको 0 कर दिया, और नाउ मैं इसको प्ले करता हूँ, ये 80 फ्रेम से दिखना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, इसके पेड़ को हम एनिमेट कर देते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं 70 फ्रेम पर, ये सटग्रा सॉरी आई थिंक टकराती है ये इससे, 70 फ्रेम पर ये से टकराएगी, तो ये जो पेड़ है इस ये भी क्या होगा, एनिमेट हो जाएगा। तो इसके लिए तो हम सिंपल जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रॉप की एडिटर ले लेंगे, और रुक के एडिटर पर जाने के बाद हम यहाँ से खुल गया, और इसका बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो हम डिफॉर्म है उसको ले लेंगे, और डिफॉर्म को लेने के बाद हम ठीक है, डिफॉर्म आ गया है, और इसको हमने पहले स्केल करना था, छोटा कर लेते हैं हम सीन को थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, और थोड़ा सा इसको हम मैं करता हूँ जूम आउट, और जूम आउट मैंने किया, और जूम आउट के बाद में मैंने अपने पेड़ को पकड़ा, और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके गया मैं इसके रॉक के एडिटर पर, और प्रोप के एडिटर पर जाने के बाद आप यहां से डिफॉर्म लेंगे, और यहां से आपने 70 फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो 70 फ्रेम पर इसको हम थोड़ा सा ओके एंड बस खाली ये हमने थोड़ा सा इसको ठीक है, और 70 एंड मैं यहां से चाहता हूं 75 फ्रेम एंड 75 फ्रेम पर ये जो है थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आ जाए और इधर आ जाए, और ये टकराए, और यहाँ पर ये 80 फ्रेम पर 80 फ्रेम पर नाउ इधर आ जाए, और वापस जो पहले की पोजीशन है वापस हम इसकी वही पोजीशन कर देंगे, या फिर थोड़ा और भी चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एनिमेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग पीरियड आपका, आप देखें इसको, नाउ मैं प्ले करता हूँ, और स्टार्टिंग में पेड़ लगभग कुछ यही है, और जैसे ही उससे टकराता है और ये इस तरीके से घूमने लगता है। फिर से प्ले करते हैं, और यहाँ पर आप एक वॉइस लगा दें अच्छी सी जो टकराने की होती है, तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।